नमस्कार दोस्तों, बस्तर वासी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप सबको लेके चल रहा हूँ इस बार एक घने और बहुत ही रहस्यमय जंगल की ओर। उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बहुत से काम थे। तो अब चलते हैं हम सब तीरिया के और माजकोट के घने जंगलों की ओर। जंगल रहस्यमय तो है ही, साथ ही ये बस्तर क्षेत्र के सबसे घने जंगलों में जाने चलिए मेरे साथ एक नई यात्रा पे। तो दोस्तों, यहाँ चलने से पहले सबसे पहला मेरा एक काम कर दीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर कंटिन्यू नोटिफिकेशन भी प्राप्त करें। और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाएँ। दोस्तों, हम लोग अभी पहुंचे हैं गणेश बहार नाला, जो कि कुरंदी के जंगलों से निकलता है और तीरिया में आके खोलाब में समाहित हो जाता है। यह नाला बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ जहाँ आप कुरंदी के पास देखें, आप तीरिया में देखें, पानी इसका हरा और बिल्कुल जंगली नाला है। एकदम हर इसका हर किनारा एक पिकनिक स्पॉट है जो आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि तीरिया और माजकोट के जंगल की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ स्थित हैं। तो जगदलपुर से सबसे निकट के जंगल जो हैं वो तीरिया माजकोट के जंगल हैं। जगदलपुर से 12 किलोमीटर के बाद इनका क्षेत्र कुरंदी ग्राम से प्रारंभ हो जाता है। ये जंगल बहुत ही घने हैं, बहुत ही मैं इनको रहस्यमय इसलिए कहता हूँ कि आपको 3 बजे के बाद यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती। वृक्षों का घनत्व इतना ज़्यादा है। मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसके जाने के जो रास्ते हैं, इसके लिए 2 मुख्य मार्ग हैं जो कि पूरी तरह से अच्छे पक्के हैं और डामरीकृत हैं। सबसे पहला नगरनार में धनपुंजी होते हुए राइट साइड से जो रेलवे पटरी पार करके जाते हैं, उस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको तीरिया लगभग 50 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और दूसरा बहुत ही संक्षिप्त नया बना रास्ता है, जगदलपुर से आप कुरंदी ग्राम जाएँ, वहाँ के जामकोट पारा से आप सीधे निकल जाएँ, नया बना रोड है और बहुत ही आसानी से आप तीरिया पहुंच जाएंगे। 35 किलोमीटर लगभग आपको 15 किलोमीटर की बचत होगी। तो बेस्ट रास्ता यही है, एक बार यूज़ करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा इस रास्ते में। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीरिया जो है वहां पे हम जो हैं आज चलेंगे, तीरिया में स्थित खोलाब और गणेश बहार के संगम के, बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है और एक पिकनिक स्पॉट है। लेकिन एक सख्त चेतावनी और विनती भी मान लें कि यहाँ पे नहाने वहाने का दुस्साहस ना करें, वह संभव नहीं है। अगर आप करते हैं तो बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं तीरिया। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं खोलाब और गणेश बहार का संगम है। खोलाब को ही आगे चल के सबरी कहा जाता है। इसका उद्गम उड़ीसा के माजकुंड क्षेत्र से है तथा इसे इसके लिए यहाँ पे एक डैम भी बना है जिसे खोलाब डैम कहते हैं। आगे चलकर यही सुकमा और कोंटा एरिया में सबरी भी कहलाती है। और इधर गणेश बहार जो आ रहा है, इन दोनों का संगम बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर नहाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप देख रहे हैं जो पूरे वेग के साथ खोलाब आ रहा है, यहाँ पर चाहे तो छत्तीसगढ़ सरकार रिवर टीम भी करा सकती है और अन्य भी वाटर स्पोर्ट्स का विकास कर सकती है। साथ साथ यहाँ पे एडवेंचरस गेम का भी अपना विकास किया जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा। बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में, छोटी मोटी जंगल सफारी का निर्माण हो जाए जो कि प्राकृतिक वातावरण तो है ही, साथ ही हिरण आदि छोड़ जाए तो अन्य जान।
इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये जो यंत्र है जिससे धान कूटा जा रहा है इसे क्या कहते हैं। धन्यवाद। जय बस्तर, जय भारत।